तरफ से पूरे साल भर में बहुत सारे ऐसे सोशल इवेंट्स किए जाते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स जिन्होंने सुसाइड किया है उनके फैमिली को भी इंडिया मीडिया लिंक की तरफ से काफ़ी सपोर्ट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उस तरीके से ये इंडिया मीडिया लिंक जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक कंसेप्ट है उसको लेके ऑल टाइम जब भी ज़रूरत पड़ती है तब तब लोगों के लिए काम करने के लिए आती है। मैं फिर से एक बार आप सब सेलिब्रिटीज़ को मैं यहाँ पे वेलकम करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा यहाँ पे, और आपकी तरफ से ये लोगों को जो है आपने देना है जो आपके 26 जनवरी का जो आज का दिन है, तो उस अवसर पर आप लोगों को गिफ्ट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग जो है झंडा वंदन करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में जो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता। इंडिया मीडिया लिंक की तरफ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हूँ रवि सर का, हैरी भाई का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस नेक काम का एक हिस्सा बनूं। तो थैंक यू रवि सर, वेलकम, थैंक यू हैरी भाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली आई एम एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और ये जो एक काम है, मैं सोशल कॉज में वैसे भी जुड़ा रहता हूँ, और थैंक यू रवि सर, थैंक यू हैरी भाई, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसका एक हिस्सा बना हूँ। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है, और मैं अपने सभी इंडियन भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ये कंबल और ये तमाम चीज़ें, ठंड का टाइम है, हमें सब करना चाहिए। ये एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बींग एन इंडियन, बींग एन ह्यूमन, कि हमें ये करना चाहिए। और थैंक यू टू रवि भाई, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ये हम सबको करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि हम कमल बांट रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, अगर एक रुपये भी हम किसी को, जो किसी के काम का हो, एक रुपये भी अगर हम किसी को दान करते हैं जो उसकी भूख मिटा सके, एक रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये, डजेंट मैटर, लेकिन अगर किसी इंसान के काम हम आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ डू दिस फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड बींग एन इंडियन। भारत माता की जय। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि रवि दादा ने और हैरी भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस नेक काम को अंजाम देने का मौका दिया। रवि भाई, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ परेल में नहीं, थाना में होना चाहिए, नागपुर में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए, ऐसे हर रवि दादा हर जगह पैदा होना चाहिए जो गरीबों की सोचे, गरीबों के बारे में ख्याल रखे। जो रवि दादा ने ये जो काम किया है, ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये एक वक्त का खाना है। ये गरीब जब खाएगा तो दुआ देगा, और रवि दादा को, हमको, हम सबको, आपको सबको दुआओं की ज़रूरत है। हम में से हर एक आदमी ऐसा निकल कर आगे आएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि शहर में, देश में कोई गरीब बचेगा। हमारे हिंदुस्तानियों की ये सोच होनी चाहिए कि गरीबों की मदद करें, उनको साथ लेकर चलें, जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये हिसाब से ये कदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि इन्होंने मुझे इन्वाइट किया। बींग ए एक्टर नहीं, बींग ए इंसान, इंसानियत होनी चाहिए हम सब में, और ये बहुत अच्छी बात है, ये शुरुआत अच्छी है। रवि दादा को और सारे लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, आप भी, मीडिया वाले भी, आपके माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि एक रवि दादा नहीं, ऐसे कई रवि दादा चाहिए, और ऐसे कई हैरी भाई चाहिए जो लोगों को लाए इस प्लेटफॉर्म पे, सेलिब्रिटीज़ को लाए, क्रिकेटर्स को लाए, जितने भी लाए उनको बोले कि भाई आप भी शुरू करें, भले 4 कंबल से शुरू करें। रवि दादा ने जितने भी किए होंगे वो उनकी नियत है, लेकिन ऐसे 10 लोग और हो जाएंगे तो मज़ा आएगा। आखिर में कहना चाहता हूँ जय हिंद, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सबसे पहले मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और हमारे दर्शकों को
26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये जो कार्यक्रम इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स ने और रवि दादा ने हाथ में लिया है, ये बहुत ही वंदनीय और बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम है। ये जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि हर जगह हर तबके में होना चाहिए, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है तो हमें हमेशा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ समाज को वापस देना चाहिए। और ये उसी का एक हिस्सा है कि हम समाज को कुछ अपनी तरफ से दें, उसकी शुरुआत इन्होंने की है। इसको देख के अगर कोई और सामने आते हैं, और रवि दादा अगर सामने आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है समाज के लिए, हमारे लिए, और ये जो यहाँ सब खड़े हैं तब से उन सब के लिए। और वैसे भी आजकल मुंबई में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मुझे देख रहे हैं ना आप तो ये तो इस ठंड में तो इससे अच्छा, और यानी इसे क्या कहेंगे हम कि प्यार की प्रेमाची उब तो अगर ये हम बांट रहे हैं, प्यार अगर हम बांट रहे हैं, तो और क्या चाहिए इंसानियत के लिए। तो मैं बहुत आपका यानी धन्यवाद देती हूँ आपको कि आप इतना सराहनीय काम आप करते हैं, और उसमें आपने हमें बुलाया और हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, मराठीत बोलो तरी चालेल साहेब, काय प्रॉब्लम? मुंबई पुलिस की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रवि सर ने ये जो प्रोग्राम रखा है, ये टाटा हॉस्पिटल, ये कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ ये गरीब लोग हैं, उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फुटपाथ पे ही इधर रहते हैं, पेशेंट अंदर रहता है, ये फुटपाथ पे सोते हैं, और ऐसे ठंडी के टाइम पे ये सोशल वर्क जो ये कर रहे हैं बिना कोई बताए, ये खुद कर रहे हैं, और मैं उसका विटनेस हूँ। लास्ट ईयर में भी मैं ऐसे ही पेट्रोलिंग करते टाइम पे देखा, ये इनके जो बंदे हैं ऐसे ही कोई सोया है तो उनको बिना जगह के वो कंबल ऊपर डाल के ये मिठाई का बॉक्स उनके सर के इधर रख के वो काम कर रहे थे। चार पांच लोग देखे, मैं बोले ये क्या कर रहे हो, मैं रुका उसके लिए। आज भी ऐसे ही हुआ, ये क्यों भीड़ जमा है, मैं देखा पूछा तो बोले ऐसा ऐसा है। बहुत अच्छा काम है, बिना कोई बताए ये कर रहे हैं। हम भी इधर हॉस्पिटल के लिए, और हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत चार पांच हॉस्पिटल है इधर, KEM, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वाड़िया है, इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोग ये भारत में और ज़्यादा तैयार हो जाए। और ये रवि सर के लिए ऊपर वाले को मैं ये दुआ करता हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा आयु दे दे, और ये ऐसे ही काम करते रहे। थैंक यू सर, लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रवि बाबू को मैं आज से गुरु मानता हूँ। मैं भी बहुत कार्य करता हूँ, लेकिन आज जो कार्य देखा मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रवि भाई को। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, पॉलिटिक्स में या किसी में भी कुछ भी बोलने में कोई जाता नहीं है किसी का पैसा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बिना कहे बिना कुछ सोचे जब गरीबों के ऊपर इस तरह से अगर रहम करता है या कुछ भी करता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो भी किसी को बिना बोले, वो बोलते हैं और यहाँ बिना बोले हो रहा है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जिस वक्त जिसको चाहिए, अगर पेट में अगर भूख है उसके वक्त अगर खाना नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और इस वक्त सर्दी में अगर उनको अगर कंबल चाहिए और उनके पास है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। मैं तहे दिल से अभी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रवि भाई का कि उन्होंने सोचा और वो आज इस मुकाम पर हैं कि हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनकी हेल्प के लिए खड़े हैं एनी टाइम। श्री है, और मैं सबसे पहले अपने महादेव जी का सोचती हूँ, उनको कि दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरे हमारे रवि दादा हैं, सच में मैं दिल से यही सोचती थी बचपन से, जब भी किसी गरीब को या परेशान बुजुर्गों को देखती थी तो मुझे ये लगता था एक दिन मैं ऐसा काम कर पाऊँ कि मैं इन लोग की हेल्प कर पाऊँ। और सच में आज वो दिन आ गया है, मुझे खुद में नहीं बिलीव हो रहा कि मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ, आज कंबल बांट रही हूँ। कम से कम कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रवि दादा की वजह से मैं आज इतना कर सकती हूँ कि मेरे दिल को खुशी हो रही है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद रवि दादा, आगे से बस ऐसे ही सपोर्ट करिएगा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। धन्यवाद। आज 26 जनवरी है, शनिचार का प्राय मॉर्निंग का दिन है, नया साल है 2017 जनवरी का शुरुआत हो चुका है, और हर 26 जनवरी को हम काफ़ी संख्या में यहाँ पर इस जगह पर पिछले 5 सालों से आ रहे हैं। हमारी इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट जो एक मैनेजमेंट कंपनी है,
जो 19 सालों से चल रही है, पर मैनेजमेंट कंपनी इवेंट की होने के बाद में हम लोग सिर्फ इवेंट का पैसा कमाने के बजाय हम लोग सोशल काम करते आए। और पिछले 5 सालों से मैं देखता हूँ कि ये जो अस्पताल है, इसको तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, केएम अस्पताल को मैं बचपन से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म हो चुका है, मैं यहाँ का दुख दर्द नज़दीक से जानता हूँ। तो ये जो माह होता है 26 जनवरी का समय का, ये बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडी होती है। जैसे कीर्ति ने देखी अभी पूरा सूट वूट पहन के आई ठंडी से बचने के लिए, तो लोग ठंडी से मर भी जाते इतने के यहाँ तो पोजीशन आती है। और यहाँ ऐसे होता है कि अस्पताल में इनके जो रिश्तेदार है उनके रिश्तेदार बाहर फुटपाथ पर बिना चद्दर के बिना ब्लैंकेट के सो जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस समय इन लोगों का एक हिस्सा बने और इनको ब्लैंकेट के साथ हम लोग ये जो ऐसे छोटा सा बॉक्स बनाते ताकि सुबह अगर वो उठे कि तो उनको कम से कम नाश्ता मिले, उस नाश्ते में उनको जो हम जो नाश्ता घर में खाते उस तरीके का नाश्ता मिले, साथ में पानी भी उनको साथ में मिले। और हम लोग हमारा एक अच्छा खासा फ्लैग भी इस तरह डालते कि उठे तो अपने यहाँ पर एक अपना देश को गर्व करके या अपने आप को अभिमान कहे। तो इस तरीके से 5वां साल हम लोग यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं। और यही नहीं, जैसे साहब ने कहा कि दादा आपको नागपुर में करना है, आपको कर्नाटक में करना है, आपके मालूम के लिए मैं बोला मैं 11 साल से सोशल एक्टिवेटर हूँ, 11 साल से मैं फिल्म लाइन में हूँ, 11 साल से मैं मतलब जितना गहराई में जाके आम लोगों के लिए काम कर सकता हूँ उतना मैंने किया है और आज भी करता हूँ। लेकिन ये मेरे अकेले के बस का काम नहीं है, ये आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में रहता है, इसलिए सारी चीज़ें बन पाती और पनप पाती है। इसलिए आज आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए और मुझे खुशी है कि हमारे बीच यहाँ के प्रॉपर पुलिस स्टेशन के जिन्होंने पिछले साल भी हमारे कार्यक्रम को देखा, इन्होंने भी अपना प्यार हमारे साथ में बांटा। तो आप सबका, मीडिया का, यहाँ पर जो भी मौजूद लोग हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो भी यहाँ माताएँ बहनें मजबूत हैं, उन सारे लोगों का, मीडिया का, पुलिस डिपार्टमेंट का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद हम लोग हमारे जो लोग मौजूद हैं एक एक लोगों को ये ब्लैंकेट और सीट का बॉक्स देंगे और ऐसे ही करते करते जहाँ तक जा सकते हैं जे अस्पताल तक हमारा सारा खत्म हो जाता है, इतने लोग फुटपाथ पे सोते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। राहुल क्या कहना है? फिलहाल तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि दादा ने मुझे मौका दिया ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, काफ़ी सारे लोग जुड़े एक इवेंट से, काफ़ी हमारे फ्रेंड्स भी हेल्प कर रहे हैं इसमें और सब एक्टर्स लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने इतना टाइम निकाला है, रात को यहाँ आए हैं। ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है, काम 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 कुछ ना कुछ करना जरूरी है। जैसे ब्लैंकेट डोनेट कर रहे हैं, कोई खाना डोनेट कर रहा है, तो इस वक्त इनकी जो ज़रूरत है वो हमें पूरा करना ज़रूरी है। ये अब तक तुम्हारे लिए दोस्तों, मैं पम्मी मोटन हूँ और आज मैं पहली बार ऐसा कोई काम कर रही हूँ, इसके पहले नहीं, रियली बता रही हूँ। और ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इनको एक सपोर्ट करने आई हूँ। मतलब ये चीज़ ना मेरे खानदान में मेरे पापा जी और मेरे दादाजी करते थे और मैं कभी सोचती थी कि मैं उस लेवल पे जब पहुँचूंगी तब मैं भी करूँगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ मैं एक अपना टाइम दे रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं दे रही हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनके जैसे अगर हर कोई इंसान ऐसे ही करे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो हम इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये ऐसे ही करते रहें और हम इनके साथ में ऐसे ही जुड़े रहें। और मैं चाहूँगी कि फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं, हमारे जो नॉन फिल्मी लोग हैं, मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप सब लोग ऐसे ही बढ़िए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। अगर हम अपनी सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसको करेंगे। और इस काम में हम इनके साथ हैं और हमेशा हम ऐसे ही करते रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि अगली बार भी ऐसा नहीं कि ये स्पेशल कुछ मौका है हम लोग तभी आए, हम चाहेंगे कि हम हर महीने आए, आज इनके थ्रू आ रहे हैं, कल हम किसी और के थ्रू आए। मतलब हमारे साथ में एक बंदे के साथ में जुड़ते जुड़ते हज़ारों लोग करोड़ों लोग ऐसे ही जुड़े और हम रेगुलर आते रहें। और हम चाहेंगे कि स्टार्ट हमने यहाँ से किया है, हम ऑल ओवर सारे एरिया हम धीरे धीरे कवर करेंगे, पूरे मुंबई को कवर करेंगे, फिर हम महाराष्ट्र को कवर करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग जो जो इलाके से जहाँ जहाँ जो लोग बिलोंग करते हैं, मतलब समझो ना कि बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगेगा हम लोग वहाँ जाएंगे। और मैं मेरी मीडिया को और मेरे फिल्मी दोस्तों को ये अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा शूट के लिए आउटडोर जाते रहते हैं, तो मैं चाहूँगी जब एक कुछ भी टाइम हो थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के हम अपनी सोसाइटी के लिए टाइम निकालें और हमारी यूनियन हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।
इसमें कोई भी बंदा पॉलिटिकल बंदा नहीं है, मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ। नेता लोग ये काम वोट पाने के लिए करते हैं, हमें किसी से कोई वोट नहीं पाना है, हमें सिर्फ आप लोगों का प्यार पाना है। मैं रियली बता रही हूँ कि मैं वर्सोवा में रहती हूँ और कल ही मैं सोच रही थी कि मेरे इलाके के लिए मुझे कंप्लेंट करनी थी और जो वर्सोवा की MLA है BJP की, भारती लवेकर, वो जस्ट मेरी बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है। मैं कल सोच रही थी कि यार वो जिस इलाके में रहती है उसी इलाके में इतने खड्डे हैं कि रोज़ मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे होती रहती है, और मैंने अपनी गाड़ी बड़ी मेहनत से ली है, जो भी नहीं लिए मैंने, तो मैं सोची थी कि मैं कंप्लेंट करूं कि इनके खड्डों की वजह से हमारी गाड़ी ख़राब हो रही। उन्होंने तो नहीं सुनी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली आज, और ऑटोमेटिक आई थिंक क्या तो 26 जनवरी में उनका BJP का कोई बड़ा नेता आ रहा होगा, इस वजह से मेरे पूरे रोड को उन्होंने अच्छा बना दिया। क्योंकि नेताओं को जब काम होता है, वोट मांगना होता है, जब वो ये काम करते हैं, और हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए या वोट मांगने के लिए कर नहीं रहे, मतलब हर इंसान कोई ऐसे जैसे ये कर रहे हैं तो इनके दिल में ऐसा कुछ आया होगा। और आज जो गॉड मुझे इतना कुछ दे रहा है, तो आई थिंक मेरे बाप दादा ने ऐसा कुछ किया है, वो ब्लेसिंग से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, और जिस दिन मेरी औकात होगी तो हम भी इनके जैसे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। वेरी नाइस। आज के दिन जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, आप देखेंगे कि एक ब्लैंकेट या एक स्वीट का बॉक्स, इस बात तक ये जो चीज़ है वो यहाँ पे सीमित नहीं होती, ये एक सोच है। ये दादाजी की जो सोच है, ये सोच को आगे लेके चलना है हम सबको। आप देखेंगे कि ये जो उनके सुपुत्र है राहुल, ये बिल्कुल उनके कदम पे कदम रख के चल रहे हैं आगे। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि सालों से उन्होंने अपने पिता को देखा है जिस तरीके से सोशल वर्क करते हुए, और हम भी काफ़ी सालों से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं, जहाँ पे अभी लास्ट टाइम का भी लेटेस्ट अगर मैं बताऊँगा, आप लोग भी कुछ लोग यहाँ आप में से विटनेस थे यहाँ पे, ये लोग थे सब लोग, कि हेलीकॉप्टर राइड इन्होंने कराई थी गरीब लोगों को, अनाथ बच्चों को, तो हर साल करते हैं, हर साल हेलीकॉप्टर राइड कराते हैं, करीबन 100 से भी ज़्यादा बच्चों को ये बॉम्बे में इकट्ठा कराते हैं और उनको राइड कराते हैं। आपको पता होगा कि हेलीकॉप्टर राइड ये एक तो VIP लोगों की एक मलकियत बनी हुई है सालों से, बट इन्होंने उस चीज़ को तोड़ के आम से आम गरीब आदमी को और ये अनाथ बच्चों को ये हेलीकॉप्टर राइड का स्लम के बच्चों को वहाँ पे लेके, जो फार्मर जो सुसाइड किया है उनके भी फैमिलीज को इन्होंने हेलीकॉप्टर से घुमाया है। तो ये एक सोच है, ये सोच जो है वो बिल्कुल राहुल उस सोच को आगे कैरी कर रहा है, और मुझे लगता है कि हम सब ने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो जैसे आप इन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से इनके कार्य से इतने प्रभावित है कि बस एक फ़ोन और फिर हम चल पड़ते हैं इनके पीछे कि क्या करना है बोलिए करके। अभी आप लोगों का भी वही है ना, आप देखिए रात के 2:30 बजे है और आप इस ठंडी में यहाँ पर आके इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे, तो ये बहुत बढ़िया है। वंस अगेन इंडिया मीडिया लिंक की तरफ से सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ यहाँ पे, और ये उपक्रम ऐसा ही चलता रहे, आप लोग हमेशा साथ देते रहे इस चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। मैं पम्मी मोटन और मैं TV एक्ट्रेस हूँ, और मुझे आज अच्छा लग रहा है यहाँ आके। कल 26 जनवरी है, तो उसके लिए मैं अभी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही जुड़े, और मैं चाहूँगी कि जिनमें जो भी गलत, हम आज हॉस्पिटल के पास आए हैं, मैं चाहती हूँ कि जो भी गुटखा पान तम्बाकू सिगरेट जो भी ज़्यादा कोई भी नशा करता है, तो प्लीज़ मेरे पूरे भारतवासियों से अपील है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि इस हॉस्पिटल के पास हमें भी ना आना पड़े और आपको भी ना आना पड़े। गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश महान देश है, महान देश रहा है, महान देश आज भी और हमेशा रहे, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं कीर्ति अडारकर आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और 26 जनवरी की शुरुआत हम इतनी सुंदर कार्य से कर रहे हैं, इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स ने, और रवि दादा ने यहां पे कंबल और खाने के पैकेट्स, यहाँ पे जो भी ये यहाँ पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो भी पेशेंट रहते हैं उनके साथ जो लोग हैं वो यहाँ फुटपाथ पे रहते हैं, तो उनको ये कंबल और खाने का पैकेट हम देने जा रहे हैं। और ये इतने नेक काम में मैं
ये नेक काम में मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ और ये नेक काम मैं देख रही हूँ, उसमें जुड़ रही हूँ, इसका मुझे बहुत आनंद है। उस समाज में हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देने की हमेशा उसमें हमारा प्रयत्न होना चाहिए हमेशा। मैन टीवी एक्टर, 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन ऐसा होता है, हमारी आज़ादी का दिन भी है और हमारी खुशी का दिन भी है। मैं हर बच्चे से, हर लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने हर जगह पे, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक फ्लैग होस्टिंग की जाए। फ्लैग होस्टिंग के साथ इस फ्लैग होस्टिंग इसलिए की जाती है कि जज्बा, वतन के साथ एक ईमानदारी बरतने का जज्बा पैदा होता है बच्चों के दिलों में। जब वो बड़े होते हैं तो उनको यह एहसास होना चाहिए कि हमारा वतन क्या है, किस मुश्किलों से इसे आज़ादी मिली है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घरों के पास, अपने दुकानों के पास एक झंडा फ्लैग करें और उसके साथ मोहब्बत से पेश आए। हमारी सरजमीन बहुत ही पाक सरजमीन है, इसकी इज्जत करें। जय हिंद। 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।